कहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के प्रति इनकी कोई आस्था है? भारत का संविधान नहीं मानते, लोकतंत्र नहीं मानते, सर्वोच्च न्यायालय नहीं मानते, संविधान पीठ का फैसला नहीं मानते, सरकारों को खरीद फरोख्त करके गिराते हैं, अगर नहीं सफल होते तो ईडी सीबीआई छोड़ देते हैं, उसमें भी सफल नहीं होते तो सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते, संघीय ढांचे को नहीं मानते। तो ये तो पूरा देश देख रहा है किस तरह से नरेंद्र मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। अरे भाई देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कुछ भी कर सकते हैं लोग, कुछ भी कर सकते हैं, फर्जी इनकाउंटर करने से लेके फर्जी जांच तक कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी हैं ये, इस बात को हमें समझना होगा। और मेरी लड़ाई नरेंद्र मोदी जी से है, मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, उनके सामने मैंने नारा लगाया मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। तो खुन्नस है मन में, करेंगे कुछ न कुछ। सिंगोल को लेकर आप क्या कहेंगे, नई संसद के उद्घाटन में सिंगोल जी? देखिए ऐसा है कि नई संसद के उद्घाटन में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं आमंत्रित करना, ये आदिवासी समाज का अपमान है, दलित समाज का अपमान है, पिछड़े समाज का अपमान है, वंचित समाज का अपमान है। और यह प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आदिवासी दलित और पिछड़ा विरोधी है। वरना संसद के उद्घाटन में अगर आप महामहिम राष्ट्रपति को ही नहीं बुला रहे हैं तो फिर क्या बचता है, क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आपने महामहिम राष्ट्रपति का तो घोर अपमान किया ही है, साथ ही साथ इस देश के आदिवासियों का, दलितों का, वंचित समाज का घोर अपमान किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी और नए संसद के उद्घाटन के कार्यक्रम में हम लोग नहीं जाएंगे। सिंगोल के बारे में क्या कहेंगे?